शीर्षासन ज्यादातर लोगों को बहुत मुश्किल योग लगता है। महिलाएं इसे करने से बहुत डरती हैं क्योंकि उन्हें चोट लगने का डर सताता रहता है। वहीं कुछ महिलाओं को शरीर को अपने सिर पर बैलेंस करना बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शीर्षासन के कितने फायदे होते हैं, जिसे करने में अच्छे अच्छों का पसीना निकल जाता है। बॉलीवुड की बहुत सारी एक्ट्रेसेस जैसे कि दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट, करीना कपूर खान, सुष्मिता सेन, मलाइका अरोड़ा, सोनाक्षी सिन्हा से लेकर जैकलीन तक खुद को फिट रखने के लिए शीर्षासन करती हैं। तो शीर्षासन करना आपके लिए कितना फायदेमंद हो सकता है, ये बात तो आपको इन एक्ट्रेसेस की फिजिक देखकर पता चल ही गया होगा। योगासनों में सबसे अच्छा आसन शीर्षासन माना गया है। इसे करने से आप अच्छा शरीर पाने के साथ साथ कई बीमारियों से भी बच सकते हैं, और ये आसन आपके बालों और चेहरे के लिए बहुत अच्छा होता है। जी हाँ, शीर्षासन से ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है। ब्रेन में ब्लड का फ्लो बढ़ने से दिमाग तेज होता है, ग्रंथियों की प्रक्रिया ठीक रहती है और साथ ही डाइजेशन भी ठीक रहता है। शीर्षासन करने से चेहरे में चमक बरकरार रहती है और बालों की समस्या भी ठीक होती है। शीर्षासन को सिर या हाथ के बल अलग अलग कोणों में बॉडी को उल्टा किया जा सकता है। इस योग में पूरी बॉडी का बैलेंस सिर या हाथों पर टिका होता है। सिर के बल किए जाने के कारण इस आसन को शीर्षासन कहते हैं। लेकिन इसे करने के लिए शुरुआत में किसी एक्सपर्ट की देखरेख में इसे करना बहुत जरूरी है, क्योंकि शुरुआत में बैलेंस बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है और बैलेंस नहीं बनने की स्थिति में गिरने से गर्दन में चोट भी लग सकती है। तो आइए अब जानते हैं शीर्षासन से होने वाले कुछ मुख्य फायदों के बारे में। पहला है, ये तनाव से दिलाता है राहत। शीर्षासन को कूलिंग आसन कहा जाता है क्योंकि ये आपका ध्यान अंदर की ओर खींचने में हेल्प करता है। ये पोज चिंता, तनाव या भय को दूर करने में बहुत हेल्प करता है। तनाव से राहत पाने के लिए शीर्षासन लंबी और धीमी सांस के साथ करना एक बेहतरीन नुस्खा है। दूसरा फायदा है, फोकस बढ़ाने में ये होता है मददगार। जब आप सिर के बल उल्टा होते हैं तो आपके ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। यह आपकी फोकस और मेंटल कामों को बेहतर बनाने में हेल्प करता है। तनाव और चिंता को दूर करने के साथ ही ये आसन आपके ब्रेन को तेज और शार्प रखता है। तीसरा है, कंधों और बाजुओं को बनाता है मजबूत। एड्रिनल करते समय आप अपने बाजुओं की मदद से जमीन पर खड़े होते हैं। ऐसा करने से आपकी बाजुएं, कंधे और गर्दन मजबूत होते हैं। आपकी ऊपरी बॉडी में ताकत और आपके धीरज को बेहतर बनाने में शीर्षासन सबसे अच्छा आसन है। चौथा है, डाइजेशन में सुधार। यह आसन आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। जी हाँ, जब आप एक शीर्षासन करते हैं तो आप अपने पाचन अंगों पर गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव को उलटने की अनुमति देते हैं। ऐसा करने से फंसी गैसों को छोड़ने और सभी अंगों में ब्लड सर्कुलेशन में सुधार करने में हेल्प मिलती है। इससे शरीर द्वारा पोषक तत्वों का अवशोषण भी बढ़ता है। पांचवा फायदा है, एड्रिनल ग्लैंड को साफ करने में ये होता है मददगार। जब आप आसन करते समय उल्टे होते हैं तो यह आपके छोटे एड्रिनल ग्लैंड को निचोड़ता है, जो तनाव वाले हार्मोन के उत्पादन के लिए जिम्मेदार होता है, और एड्रिनल ग्लैंड के साफ होने से तनाव भी कम होता है। इसके बाद कोर मसल्स को ये करता है मजबूत। शीर्षासन में कुछ देर रुकने से आप अपने पैरों को पकड़ने के लिए अपनी मुख्य ताकत पर भरोसा करते हैं और पूरे पोज में अपने बैलेंस को बनाकर रखते हैं, और एक मजबूत कोर आपको योग करते समय चोट लगने की संभावना कम करता है। और अंतिम में दोस्तों, बालों और त्वचा के लिए ये होता है बहुत अच्छा। शीर्षासन करने से आपके सिर के बाल खड़े होते हैं, जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन चेहरों और बालों की तरफ ज्यादा होता है। जी हाँ, उल्टा खड़े होने की स्थिति में ताजा पोषण और ऑक्सीजन चेहरे की तरफ संचारित होते हैं, जिससे स्किन ग्लोइंग हो जाती है। शीर्षासन से सिर नीचे की ओर चला जाता है, जिससे चेहरे में चमक आती है और वो ग्लो करने लगता है। इससे सिर की ओर पोषण और ब्लड का फ्लो इस प्रकार होता है कि सिर के सफेद बाल अपने आप ही काले होने लगते हैं। तो देर किस बात की, अगर आप भी ये 7 फायदे चाहते हैं तो आज से ही शीर्षासन को अपने डेली रूटीन में शामिल करें। लेकिन इसे किसी एक्सपर्ट की निगरानी में ही करिए, ये हमारी आपसे गुजारिश है। कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट में जरूर बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी बांटिए, और हमारे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आगे भी आपसे मिलते रहेंगे इसी तरह की कुछ स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत, अपना ख्याल रखिए, हमारा इंतजार करिए। नमस्कार, जय हिंद।